शादी के बाद माँ बनना हर लड़की का सपना होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में जानने की इच्छा होना भी काफी स्वाभाविक है। पुराने समय में कई ऐसे तरीके अपनाए जाते थे जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाता था कि पेट में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। इस तरह का अंदाजा लगाने के लिए जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है, पेट में लड़का कौन सी साइड में होता है, गर्भ में लड़के का भार किस तरफ होता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि पेट में लड़के का भार किस तरफ होता है, तो ये तरीका आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आप प्लेसेंटा की पोजीशन से कैसे पता लगा सकती हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होने वाला एक जरूरी अंग होता है। ये प्रेग्नेंट माँ को उसके होने वाले शिशु से जोड़ कर रखता है और उसकी होने वाली ग्रोथ में हेल्प करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब महिला में फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा जाकर यूट्रस की दीवार से खुद को जोड़ता है, तब यूट्रस में जहां भी अंडा जोड़ता है वहीं से प्लेसेंटा विकसित हो जाता है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का काम गर्भ में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिशंस देना होता है और इसके साथ ही एम्बिलिकल कॉर्ड से भी बच्चे के वेस्टेज को बाहर निकालता है। प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार पर आगे पीछे किनारे या ऊपरी जगह पर कहीं भी विकसित हो सकता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा यूट्रस में जहां भी इम्प्लांट हो जाता है उसके मुताबिक ही आपके प्लेसेंटा की पोजीशन बन जाती है। अभी तक हमने ये जाना है कि प्लेसेंटा क्या होता है, आइए अब हम ये जानते हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा के फायदे क्या होते हैं। पोस्टीरियर प्लेसेंटा का पहला फायदा ये होता है कि इससे बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बर्थ कैनाल में आने में आसानी होती है, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही पोस्टीरियर प्लेसेंटा को एक नॉर्मल प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर ये प्लेसेंटा सर्विक्स के करीब नहीं है तो ये डिलीवरी के लिए एक आइडियल पोजीशन होती है। पोस्टीरियर प्लेसेंटा का दूसरा फायदा ये है कि आप बच्चे की मूवमेंट को जल्दी फील करने लगती हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन पेट में पल रहे बच्चे के पोषण और विकास में अहम रोल निभाती है, साथ ही ये डिलीवरी को आसान या मुश्किल बना सकती है। इसलिए अगर आपको पोस्टीरियर प्लेसेंटा या एंटीरियर प्लेसेंटा है तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी डिलीवरी अच्छे से ही होगी। अभी तक हमने ये जाना है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा के फायदे क्या होते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा से हमें कैसे पता चलता है कि पेट में लड़का है या फिर लड़की। जब फर्टिलाइज एग खुद को यूट्रस की दीवार की पिछली तरफ जोड़ देता है तो इसकी वजह से प्लेसेंटा भी यूट्रस की पिछली तरफ ही डेवलप हो जाता है। इस तरह की प्लेसेंटल पोजीशन को पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। आमतौर पर पोस्टीरियर प्लेसेंटा एक नॉर्मल प्लेसेंटल पोजीशन है। इस पोजीशन में भ्रूण का विकास सही से होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपके पेट में लड़का है, वहीं अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर है तो आपके पेट में लड़की है। डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की ये दोनों पोजीशन ही नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है। इसके अलावा 2011 में एक रिसर्च पेपर में दावा भी किया गया था कि जब प्लेसेंटा यूट्रस में पीछे की ओर साइड से जुड़ता है तो महिलाओं में लड़का होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं और जब प्लेसेंटा आगे की ओर से जुड़ता है तो उन्हें लड़की होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। और ये आमतौर पर तब होता है जब अंडा फर्टिलाइज होता है और कॉर्ड यूट्रस के पीछे की दीवार के अंदर से जुड़ा होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी में धीरे धीरे यूट्रस फैलता है, बच्चे के विकास के साथ कॉर्ड भी पीछे की दीवार पर बढ़ता है, जिसके बाद ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा होने का कारण बन जाता है। साथ ही गर्भ में लड़का है या लड़की दोनों एक ही समान होते हैं और मेरे बताए गए उपाय से आप उसके बारे में पता लगा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।